नाजरीन, सेहत से मुतल्लिक कुछ ऐसी कहानियाँ जो नस्लों से चली आ रही हैं और लोग तहकीक के बगैर इन पर यकीन और अमल करते चले आ रहे हैं। आपको ऐसी ही चंद मशहूर बातों के बारे में बताएंगे कि जदीद साइंस इनके बारे में क्या कहती है। नंबर एक, मशहूर बात है कि इंसान को रोज़ाना 8 गिलास पानी पीना चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसका इन्हिसार आपके काम करने, आपके माहौल के दर्जा हरारत और नमी वगैरह पर होता है। आप गर्म माहौल में रह रहे हैं तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, और अगर आप सर्द माहौल में हैं तो पानी की ज़रूरत गर्म माहौल की निस्बत कम होगी। अगर आपके पेशाब की रंगत साफ या हल्की पीली है तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि आपके जिस्म को मुनासिब मकदार में पानी मिल रहा है। नंबर दो, आपने अक्सर सुना होगा कि छींक आए तो इसे रोकना नहीं चाहिए। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ऐसा करने से आपके फेफड़े और साइनस पर दबाव पड़ता है। इससे खून की शरियाने फट सकती हैं, यहाँ तक के कान के पर्दे भी फट सकते हैं। इसलिए छींक आए तो इसे रोकने की कोशिश मत करें। नंबर तीन, मशहूर कौल है कि रोज़ाना एक सेब खाना आपको डॉक्टर से दूर रखेगा, यानी आप सेहतमंद रहेंगे और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश ना आएगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मशहूर कौल में सच्चाई नहीं, क्योंकि सेहतमंदी का इनहिसार सिर्फ सेब खाने पर नहीं बल्कि आपके मुकम्मल लाइफ स्टाइल पर है। इसके लिए आपको सेहत बख्श ग़िज़ाओं और वर्जिश की ज़रूरत है। रोज़ाना सिर्फ एक सेब खाने से ही आप तंदुरुस्त नहीं रह सकते। नंबर चार, आपने सुना होगा कि अंडे दिल की सेहत के लिए नुकसानदेह हैं और अंडे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं, लेकिन तहकीकात से साबित है कि रोज़ाना एक अंडा खाना सेहत पर कोई बुरे असरात नहीं डालता, बल्कि अंडे में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसा कि ओमेगा 3, जो कि दिल की सेहत के लिए मुफीद है। नंबर पाँच, आपने सुना होगा कि इंसान अपना 10% दिमाग इस्तेमाल करता है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। ये बात साबित शुदा है कि इंसान 10% से ज़्यादा ही दिमाग का इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि नींद के दौरान भी दिमाग काम कर रहा होता है। नंबर छः, आपने ये भी सुना होगा कि अगर एक सफ़ेद बाल को उखाड़ा जाए तो इसकी जगह एक से ज़्यादा बाल निकलेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो एक बाल उखाड़ा जाए इसकी जगह एक ही बाल निकलेगा। नंबर सात, क्या कम रोशनी में पढ़ने से नज़र कमज़ोर होती है? ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि कुछ अफराद कम रोशनी में भी आसानी से पढ़ सकते हैं और कुछ को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अगर आप कम रोशनी में भी पढ़ सकते हैं और इस दौरान आँखों पर कोई तनाव महसूस ना हो तो आपको कम रोशनी में पढ़ने से कोई मसला नहीं। नंबर आठ, मशहूर बात है कि हैज़ यानी मेंसेस के दिनों में औरत हम बिस्तरी करने से प्रेग्नेंट नहीं होती। ये बात बिल्कुल गलत है और अमेरिकन प्रेगनेंसी एसोसिएशन ने भी इसको गलत करार दिया है। हैज़ के दिनों में हम बिस्तरी करने की सूरत में भी औरत को हमल ठहर सकता है। और याद रखें, मर्द के स्पर्म औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 5 दिन तक रह सकते हैं।